एक होती है क्रूरता और एक होती है विवत्सता। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए शख्स के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखिए, इसमें आपको दोनों दिख जाएंगे। वैसे काफी नॉर्मल से दिखने वाले इस चेहरे के पीछे एक ऐसा हैवान छिपा है जो अपने अहंकार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह चेहरा है झारखंड के दुमका शहर के रहने वाले शाहरुख हुसैन का। इसके किए गए गुनाह को सुनने पर आपकी रूह कांप जाएगी। आप शायद बोल दें कि कोई इतना क्रूर और हैवान कैसे हो सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख मात्र 5वीं तक पढ़ा है और दुमका शहर में ही पेंटिंग का काम करता है। काम के अलावा इसका अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमने का शगल था। उन्हीं में से एक दोस्त के साथ मिलकर उसने एक ऐसी भयावह घटना को अंजाम दिया जिसका इसे पछतावा तक नहीं है। हम बात कर रहे हैं झारखंड के दुमका शहर में रहने वाली अंकिता सिंह के खौफनाक मर्डर की। इस बच्ची का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने शाहरुख को एक सिरफिरा आशिक समझकर मना कर दिया था। बीते कई महीनों आरोपी शाहरुख हुसैन गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ने वाली अंकिता सिंह को परेशान कर रहा था। उसे बार बार फोन करता और दोस्ती करने का दबाव बनाता। जब शाहरुख के बार बार बोलने के बाद भी अंकिता उसके साथ किसी भी तरह के रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुई तो इसने उसे धमकी देना चालू कर दिया। कहता कि उसकी बात मान ले वरना अंकिता को जान से मार देगा। और 23 अगस्त की सुबह हुआ भी यही। इस बच्ची की नाश शाहरुख बर्दाश्त नहीं कर पाया और रात के अंधेरे में चुपके से आकर बच्ची के ऊपर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। इसे शाहरुख की हैवानियत ही कहेंगे कि वो एक जिंदा लड़की को आग के हवाले करने के बाद भी तुरंत मौके से भागा नहीं, बल्कि खड़े होकर उस बच्ची को तड़पता हुआ देखता रहा, उसके चीखने की आवाजें सुनता रहा। इसे ही आप क्रूरता या बहशीपन कह सकते हैं। 16 वर्षीय अंकिता सिंह 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। वो भविष्य में पुलिस फोर्स में जाना चाहती थी। पीड़िता के परिवार में पिता, दादा दादी, छोटा भाई और बड़ी बहन है। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, छोटा भाई पढ़ाई करता है। मां की कुछ साल पहले मौत हो गई थी, वो कैंसर से जूझ रही थी। उनका इलाज मुंबई में करवाया था जिसमें अंकिता के परिवार को काफी खर्चा हुआ था, इसलिए घर में आर्थिक तंगी थी। आर्थिक तंगी के चलते अंकिता मोहल्ले के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति माह कमाती थी। वहीं उसके पिता किराने की एक दुकान में काम करते हैं जहां उनका प्रतिदिन कमाई सिर्फ 200 रुपए के करीब है। आर्थिक तंगी के सामाजिक ताने बाने से आने वाले समाज के इस हिस्से के लोगों के पास वैसे ही काफी समस्याएं रहती हैं। इनके बीच शाहरुख इस परिवार के लिए एक नई समस्या खड़ी कर देता है। वो कई दिनों से अंकिता को परेशान करता रहता, यहां तक कि घटना के कुछ दिनों पहले ही उसने उसके घर आकर काफी बवाल भी मचाया था, जिसके बाद पीड़िता का परिवार पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराने जा रहा था। पर फिर शाहरुख के भाई और मामा ने आकर हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी थी और शाहरुख को वहां से ले गए थे। इसके बाद शाहरुख कुछ दिन तक शांत रहा, लेकिन उसकी हरकतें एक बार फिर शुरू हो गई थी। 22 अगस्त को शाहरुख ने जब अंकिता को जान से मारने की धमकी दी तो अंकिता ने अपने पिता से इस बारे में बात की। अंकिता के पिता ने सुबह पुलिस में FIR दर्ज करवाने की बात कहकर उसे सोने के लिए कह दिया, लेकिन वो सुबह आई ही नहीं। शाहरुख ने सुबह 4 बजे ही पीड़िता के कमरे की खिड़की के ग्रिल से उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आरोपी ने कमरे में पेट्रोल फेंक कर सबसे पहले पर्दे जला दिए। उसने और भी पेट्रोल कमरे के अंदर फेंक दिया ताकि अंकिता किसी भी तरह बच न सके। अपने ऊपर पेट्रोल छिड़के जाने पर जब अंकिता की आंख खुली तो शाहरुख ने फौरन माचिस की तिल्ली जलाकर उसकी ओर फेंक दी, जिससे सेकेंड्स में ही अंकिता का शरीर बुरी तरह से जलने लगा। वो भागते हुए अपने कमरे से बाहर गई और सामने एक पानी की बाल्टी उसे दिखी। उसने अपने ऊपर पानी डाला और फिर चीखते हुए घरवालों को जगाया। पीड़िता ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि वो अपनी खिड़की के बाहर शाहरुख और उसके दोस्त छोटू खान उर्फ नईम आग लगाते हुए साफ देख सकती थी। कहा जा रहा है कि नईम ने ही शाहरुख को उस पेट्रोल की सप्लाई की थी जिसका उसने अंकिता को जलाने में उपयोग किया। बुरी तरह झुलस चुकी अंकिता को उसके परिवार और पड़ोसियों द्वारा बचाया गया और उसे दुमका मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया, जिसने आकलन किया कि वह 95% जली हुई है। अगले दिन अस्पताल ने अंकिता को राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी RIMS के लिए रेफर कर दिया।
ये झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहां भी 5 दिनों तक अंकिता को बचाने की काफी कोशिश की गई, पर क्योंकि उसका शरीर 95% जल चुका था, इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। इतनी खौफनाक घटना को अंजाम देने के बाद भी आरोपी शाहरुख के चेहरे पे शिकन तक नहीं आई और वो वहीं खड़ा होकर सिर्फ तमाशा देखता रहा। बाद में दुमका पुलिस ने शाहरुख और छोटू खान दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को दिए गए अपने आखिरी बयान में अंकिता ने अपनी हालत के लिए शाहरुख को जिम्मेदार ठहराते हुए यह इच्छा जाहिर की कि उसके आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। सच पूछा जाए तो यह सजा भी इस दरिंदे के लिए काफी कम होगी। अंकिता ने अपने बयान में शाहरुख के बारे में बताया कि इलाके की लड़कियों से बदतमीजी और छेड़छाड़ करना उसका रोज का काम था। फिर किसी तरह उसने अंकिता का मोबाइल नंबर निकाल लिया और उसे कॉल और मैसेज करने लगा। उसने घटना के करीब 10 दिन पहले से अंकिता के मोबाइल पर फोन करके उसे अपना दोस्त बनने के लिए जिद करने लगा। बकौल अंकिता, शाहरुख ने मुझे 22 अगस्त यानी घटना वाली रात करीब 8 बजे फोन किया और मुझसे कहा कि अगर मैंने उससे बात नहीं की तो वो मुझे मार डालेगा। मैंने अपने पिता को धमकी के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वह मंगलवार को उस व्यक्ति के परिवार से बात करेंगे। मंगलवार की सुबह मुझे अपनी पीठ पर दर्द महसूस हुआ और मुझे कुछ जलने की गंध आ रही थी। आंख खुली तो मैंने शाहरुख और उसके दोस्त को भागते हुए पाया। मैं दर्द से कराहने लगी और अपने पिता के कमरे में चली गई। मेरे पिता ने आग बुझाई और मुझे अस्पताल ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे दुमका में धारा 144 लागू कर दी गई। राज्य सरकार ने इस मामले की पूरी जांच करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई जाने का फैसला भी किया। मामले की सुनवाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में किए जाने की मांग भी की गई। इसी बीच झारखंड हाई कोर्ट ने भी इस अत्यंत भयावह घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रदेश की सरकार को यह आदेश दिया कि वो लड़की के परिवारजनों को सुरक्षा मुहैया कराएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी घटना पे दुख जताते हुए अंकिता के परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया। अंकिता के परिवार ने 10 लाख की इस राशि के बारे में कहा है कि काश सरकार ने ये पैसे अभी देने की बजाय अगर उनकी बेटी के इलाज के दौरान दिए होते तो शायद आज वो जिंदा होती। पर सवाल उठता है कि क्या इस हादसे को पूरी तरह से टाला जा सकता था? क्या आरोपी शाहरुख को ऐसा कदम उठाने से रोका जा सकता था? और क्या भविष्य में इतनी खौफनाक घटना को फिर से अंजाम देने से रोका जा सकता है? जवाब है हां। यह पूरा क्राइम एक स्टॉकर माइंडसेट से प्रभावित युवक द्वारा किया गया एक जघन्य अपराध है। यह ऐसी मानसिकता है जिसमें कुछ लोग लड़कियों और औरतों को दोस्ती और प्यार के बहाने अप्रोच करते हैं। किसी को अप्रोच करना क्राइम तो नहीं, लेकिन जब लड़की के बार बार मना करने के बावजूद भी उसे परेशान किया जाता रहे तो इस मानसिकता की बू आती है। यह वही मानसिकता है जो हर साल हजारों लड़कियों और औरतों का जीना और घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर देती है। कई बार समाज या परिवार के डर से लड़कियां इस बारे में या तो बात नहीं कर पाती, या जब तक वो ये बात बता पाती हैं काफी देर हो चुकी होती है। अंकिता सिंह का केस इस मानसिकता का एक अप्रतिम उदाहरण है। भारत काफी तरक्की कर गया है, लेकिन औरतों के प्रति अपने नजरिए को पूरी तरह सुधारने में आज तक कामयाब नहीं हो पाया है। समाज में आज भी औरतों के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराध देखने को मिल जाते हैं जो आम इंसान का समाज और कानून पर से भरोसा उठा देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है यहां का सिस्टम। क्या कभी यहां पर लड़कों के माता पिता या टीचर उनसे कभी इस बारे में बात करते हैं कि उन्हें कंसेंट समझ में आती है या नहीं? जब लड़के कोई ऐसी गलती करते हैं तो आमतौर पर यह देखा जाता है कि उसके परिवार वाले ही उसका बचाव करने लग जाते हैं। अगर वो कोई रसूखदार परिवार से आता है तब तो पूरा सिस्टम ही उसका बचाव करने उठ खड़ा होता है। ऐसे में सवाल बहुत बड़ा है कि क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हैं तब तक ये दुमका का हादसा बदकिस्मती से अपने आप को दोहराता रहेगा। यहां पर एक बात याद दिलाना बहुत जरूरी है कि हम किसी भी धर्म विशेष या संप्रदाय पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हर धर्म में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं जिनका समय समय पर हम उदाहरण देखते रहते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम समाज को उस मानसिकता से बाहर निकालने की कोशिश करें जिससे लोग इस तरह की भयावह घटना को अंजाम देने की सोच लाते हैं।
इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारियां पब्लिक डोमेन में मौजूद रिपोर्ट्स के आधार पर दी गई हैं। हम इस क्राइम के बारे में आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि समय रहते इसे अपने साथ होने से रोक सकें। यह वीडियो बनाते वक्त हम उन सभी माताओं और बहनों को याद करते हैं जिन्होंने इस सड़ी हुई मानसिकता के कारण अपने जीने का हक और कई मामलों में अपना जीवन ही खो दिया है। याद रखना जरूरी है ताकि हम अपने समाज को एक बेहतर समाज बना सकें। नमस्कार।